नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में चुनावी आगाज हो चुका है, तीन फेज में चुनाव होंगे। 10 नवंबर को मतगणना होगा और इस बीच चुनावी ऐलान के बाद राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं, इनसे जानते हैं कि इस चुनावी ऐलान को आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या कोरोना के संकट की घड़ी में ये सब कुछ ठीक है? बिहार की जनता तैयार थी, इसी दिन का इंतजार था, यही मौका है। सूद और ब्याज के साथ अपना पाई पाई का हिसाब लेने के लिए जनता तैयार है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं साथियों जगो जगो की बज गई रणभेरियाँ, कमर कसो की बढ़ चलो स्वीकार के चुनौतियाँ। अब मौका आ गया है, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने दिल खोल करके इस डबल इंजन की सरकार को अपना वोट दिया, समर्थन दिया, उसका किस तरह से इस सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया, ये सबके सामने है और इसका बदला जनता लेने के लिए बैठी हुई है। चुनौतियां तो महागठबंधन के लिए भी है कि महागठबंधन अब तक एकजुट नहीं हो रहा है, RLSP नाराज है, आप देखिए मांझी जी चले गए और अब कुशवाहा के साथ आपके सन ऑफ मल्ला उनके सहने की बारी। देखिए कौन नाराज है कौन खुश है ये तो लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। बिहार की 12 करोड़ जनता खुश है, नाराज कौन है? जो पलटी मार राजनीति करने वाले लोग हैं उनका दुकान इस बार जनता बंद कर देगी। जिसको जिसको अपमान मिला NDA में सबका हमने सम्मान किया और मेरे सम्मान को अगर वो नहीं बचा पाए तो गलती उनकी है, हमें कोई आंख दिखाए? जनता चाह रही है, बिहार में जनता का मूड और जो मिजाज है, जनता तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए, और कुछ लोग इधर उधर का बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे, मुद्दे पर आइए ना। कांग्रेस के साथ आप लोगों का हो गया फुल फाइनल मैच? हमारा गठबंधन महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी, सभी वामपंथी पार्टियां, सब लोग, हम लोगों का बात तय हो चुका है, बहुत ही जल्द इसकी घोषणा सार्वजनिक कर दी जाएगी। और जो लोग ये मुगालते में हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो लोग खड़ा कर रहे हैं उनसे हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी सदन में सबसे बड़े दल के नेता है और जो सवाल खड़ा कर रहा है उनके पास क्या है? कुछ है उनके पास? तो इसलिए ऐसे लोगों का परमानेंट राजनीति में जनता इलाज कर देगी। इस बीमारी से अब जनता भी उब चुकी है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, अब जनता किधर जाएगी ये सबको पता है। आज गुप्तेश्वर पांडे भी जदयू की सदस्यता लेने वाले? भाई हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी, कि DGP साहब, DGP कम और सरकार के लिए राजनीति करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कौन किस दल में राजनीति करेगा हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आरोप हमारे नेता लगा रहे थे वो तो सही साबित हो गया। अब जिनको भी जाना है जाए, अब तो जनता की बारी है। बिल्कुल, तो अब तो जनता की बारी है और जनता तय करेगी कि चुनाव में कौन पहुंचेगा सदन। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।